ईरान जंग नहीं चाहता है, मगर इसराइल लगातार ईरान को जंग में खींचने की कोशिश में लगा हुआ है। ये बात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने यूएन महासभा में कही है। ये पहला मौका है जब 70 वर्षीय ईरानी नेता ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने विचार रखे हैं। इस दौरान पूरी दुनिया के सामने ईरान ने यूएन महासभा में लेबनान पर इसराइली हमले को लेकर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कड़ा रुख अख्तियार कर इजरायल को घेरने की पूरी कोशिश की। पेजेश्कियन ने कहा कि लेबनान द्वारा अकेले इजरायल के आतंकवाद का जवाब नहीं दिया जा सकता। इजरायल को रोकना जरूरी है, वरना पूरा मिडल ईस्ट और फिर दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि तेहरान लेबनान में इजरायल के हमलों का अभी जवाब नहीं देगा, इस इलाके में तनाव बढ़ सकता है। مردم جهان در یک سال گذشته ماهیت رژیم اسرائیل را دیدند. سردمداران این رژیم چگونه جنایت می کنند و در 11 ماه بیش از 41,000 مردم بیگناه را در غزه به خاک و خون کشیدند که بیشتر زنان و کودکان بیگناهند، ولی به نسل کشی، کودک کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی می گویند دفاع مشروع. به بیمارستان و مهد کودک و مدرسه می گویند هدف مشروع نظامی. به مردم آزادی خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل کشی آنها اعتراض می کنند می گویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر علیه آنها به پا خواستند می گویند تروریست. ولی این اسرائیل است که دانشمندان، دیپلومات ها و مهمانان من را در سرزمینمان ترور میکنه و از داعش و گروه های تروریستی پنهان و آشکار حمایت میکند. پیجشکی نے اسرائیل پر غزہ میں نرسنہار کا بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ गाजा में पिछले 11 महीने में 41,000 मासूम लोगों को बेरहमी से मारा गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पिछले एक साल में दुनिया के सामने इसराइल की असलियत उजागर हो गई है। इसराइल हार चुका है, वह आईएसआईएस जैसे आतंकी ग्रुप्स को समर्थन दे रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने यूएन में अपने पहले संबोधन से पहले सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा था, हिजबुल्ला इसराइल के खिलाफ अकेले खड़ा नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान है कि लेबनान को दूसरा गाजा बनने नहीं दिया जा सकता है। इस बीच पेजेश्कियन के महासभा में संबोधन से ठीक पहले एक अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्ला ने ईरान से इसराइल पर हमला करने को कहा था। दरअसल इसराइल ने लेबनान के हिजबुल्ला समूह के ठिकानों पर जोरदार हमला बोलते हुए जबरदस्त तबाही मचाई थी। ऐसी आशंका है कि इसराइल के भीषण हमले से हिजबुल्ला पर बड़ा दबाव बना था। रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान ने हिजबुल्ला के अनुरोध को खारिज कर दिया था। दो इसराइली अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने हिजबुल्ला से कहा कि ये सही समय नहीं है, क्योंकि पेजेश्कियन यूएन में संबोधन के लिए न्यूयॉर्क में है। दावा तो ये भी है कि हिजबुल्ला ने 2 महीने पहले तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या के जवाब में ईरान से हमला करने को कहा था।